इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया, मैं एग्री करता हूँ। मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है, मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो, मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड। सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय विमेंस के पास है, आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड। बयान नहीं कर सकता मतलब इतना ये सोना था कि यार क्या बात है। यानी अच्छा इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया वो बता तो नहीं, ऐसी थोड़ी कहा जाता है। बिल्कुल खास भी होते हैं और 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और इसके साथ साथ हीरे जवाहरात और 5,000 अमेरिकन डायमंड्स का रंग। ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करता हूँ। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं मुगलों को हीरो समझते हैं जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। आपने छोटा सा क्लिप देखा, आप पूरा वीडियो देखेंगे। पाकिस्तान की बेटियां हैं स्पेशली पाकिस्तान में यूट्यूब पे काम करती हैं, यूट्यूब में कॉन्टेंट क्रिएट करती हैं, काफ़ी पॉजिटिव कॉन्टेंट क्रिएट करती हैं, मतलब बहस करती हैं कि वो मंदिर तो मुगलों ने तोड़ा था और उसके बाद उसके ऊपर मस्जिद बनाई थी तो वो कैसे मुगलों को, इस तरीके की भी इन्होंने वीडियो डाली। तो काफ़ी मैं इनको सैल्यूट करता हूँ इस तरीके की बात, पाकिस्तान में इस तरीके के सवाल पूछना। और इन यूट्यूबर्स पर पाकिस्तान में एक्शन भी लिए गए हैं। तो पाकिस्तान की यूट्यूबर्स भारत में जो भव्य कार्यक्रम हुआ उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट। राम टेंपल का नेकलेस भी ये कि यहां पर चढ़ावों के तौर पे गोल्ड दिया जाता है, मतलब अपने भगवान से, अपने परमेश्वर से लगाओ एक अकीदत। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्याम का आगमन होते ही प्रभु श्याम की कुछ फोटो और वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल होना शुरू हो चुकी हैं और ये फोटोज वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो रही हैं कि पाकिस्तानी मीडिया भी इन पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड तो सिर्फ भारतीय विमेंस के पास है, आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड। और जो दिवाली में गिफ्ट दिए जाते हैं ये सिर्फ विमेन की बात करें। हाँ। गोल्ड के रिजर्व तो ज्यादा गवर्नमेंट के पास भी होते हैं और 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और इसके साथ साथ हीरे जवाहरात और 5,000 अमेरिकन डायमंड्स का राम टेम्पल का नेकलेस भी जो है भगवान राम को जी गिफ्ट किया गया है। इसके अलावा वो कुछ जो शायद हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे कि भारत के मंदिर ऐसे हुआ करते थे, आज भारत वो बता रहा है कि वो हुआ करते नहीं, वो एक्चुअली हैं। और जैसे पाक मीडिया यूट्यूबर्स भी हमने देखे बात कर रहे थे मस्जिद की, यस ये बड़ा एक शेमफुल एक्ट होता है जी कि एक ऐसी स्पिरिचुअल जगह जहां पर लोग अपने खुदा से कनेक्ट होने आते हैं और आप उनकी कीमती सामान वहां से चोरी करते हैं। मेरे बाबा के साथ भी ऐसा हो चुका है, एक दफा नहीं, ईद की नमाज में ये बोल, या जुम्मे वाली जुम्मे के दिन एक दफा नहीं कई बार हो चुका है कि जूता जो है चोरी हो जाता है। और इसलिए लोग बोलते हैं कि जब आप जुम्मे वाले दिन या ईद वाले दिन नमाज पढ़ने जाओ तो घर के सब से मतलब कि ठटारा जूती पहन के जाओ, जो चोरी भी हो जाए दुख ना हो। और अगर मैं अपने बाबा की बात करूं तो वो हमेशा बहुत अच्छे जूते पहनते हैं। कुछ अब दरअसल राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होते ही जब प्रभु श्रीराम का चेहरा सबके सामने आया तो न्यूज और मीडिया ने प्रभु श्रीराम की कई सारी फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड करना शुरू कर दिया। ये फोटो और वीडियो इंटरनेट पर आते ही वायरल होना शुरू हो गई और लोग इन्हें भर भर कर शेयर कर रहे थे। प्रभु श्रीराम की ये फोटो और वीडियो इंटरनेट पर इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि पाकिस्तान की आम जनता से लेकर पाकिस्तान की मीडिया तक ने इन पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। अब हुआ ये था कि इन फोटोज और वीडियो में ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि भारतीय हिंदू लोगों ने अपने आराध्य को कितनी बड़ी मात्रा में स्वर्ण आभूषण उपहार में दिए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जो अपने गले में स्वर्ण आभूषण धारण किए थे तो उनका वजन बहुत ही ज्यादा था और ये 24 कैरेट शुद्ध सोने के बने हुए थे। इन स्वर्ण आभूषणों में कई प्रकार के विभिन्न विभिन्न ऐसे रत्न जड़े थे जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं और इन्हीं सब कारणों की वजह से इन स्वर्ण आभूषणों की जो कीमत है वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में थी। और इसीलिए इन स्वर्ण आभूषणों की कीमत सुनकर पाकिस्तान
पाकिस्तानी मीडिया के भी होश उड़ चुके थे। किस तरह से अपनी नजर रखते हैं, अगर हम बात करें राम मंदिर की, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत ज्यादा दुख वाला ये इमोशन कह लें या जो भी इसको समझ लें कि पाकिस्तान की इसके साथ बहुत ज्यादा फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, तो आप इसको किस चीज की किस नजर से देखते हैं राम मंदिर की इनॉग्रेशन को? नहीं, मेरा पहला सवाल तो ये है, पाकिस्तान की क्यों जुड़ी हुई थी फीलिंग्स? क्योंकि बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट था इसके साथ। नहीं तो बाबरी मस्जिद का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? हमारी मस्जिद थी और लोग आज भी उस चीज को बड़ा ज्यादा, इंडिया की मस्जिद थी, इंडिया की मस्जिद, हाँ, लेकिन इबादत गाह तो मुसलमानों की थी ना। इंडिया में मुसलमान नहीं है? हैं, बिल्कुल हैं। तो पाकिस्तान को क्या मिर्ची चली थी? और पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई इंडिया ने हमारी मस्जिद पर कब्जा किया और तोड़ के तो अपना मंदिर बना दिया, तो इस चीज को मैं नजर रखते हुए आपसे सवाल किया। नहीं तो पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि 1977 में जो एक्सकवेशन हुई थी वो के मोहम्मद नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने की थी, जहां से नीचे से खंबे निकले थे, ठीक है, और उसके बाद 2003 में फिर एक्सकवेशन होती है जिसके अंदर फिर 70 खंबे, मूर्तियां और दीवारें और उसके अंदर कुछ मगर पर नाला और भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं। लेकिन उसके पाकिस्तानी भी कहते हैं कि भाई अगर हम पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई मंदिर डिमोलिश करे तो उसके नीचे से भी कुछ ना कुछ निकल सकता है, इतनी पुरानी सदी जो करो, बनी हुई करो मंदिर के नीचे से बिल्डिंग मिल सकती है, पर मंदिर के नीचे से कभी मस्जिद नहीं मिल सकती। अगर मस्जिद मिलती है करो, पूरी दुनिया में ना चर्च मिलेगा ना मस्जिद मिलेगी मंदिर के नीचे से, ना सिनागॉग मिलेगा। अगर कर सकते हो तो कर लो, ढूंढ लो नीचे से, बिल्डिंग निकल सकती है, घर मिल सकता है, लेकिन किसी और की रिलीजियस प्लेस कभी भी मंदिर के नीचे से नहीं मिलेगी, आज तक तो नहीं मिली पूरी दुनिया में। मस्जिदों के नीचे से तो मिली है, और इंडिया में ऐसी करीब 3,000 मस्जिदें हैं जिनके नीचे से मिला है, उस और वो भी साइंटिफिक प्रूफ पे, सुप्रीम कोर्ट में जाता है केस। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक्सकवेशन थोड़ी ना रखी गई है, एक्सकवेशन के साथ साथ मुगल टाइम के रिकॉर्ड्स रखे गए। 18th सेंचुरी में जो ब्रिटिश फ्रेंच ट्रेवलर्स थे जो आपके इंडिया ट्रेवल करने आते थे, यहाँ पर लिखते थे, उनकी किताबों को रखा गया है। फिर 1857 वगैरह उसके बाद ये पूरा टाइम ये सारा ब्रिटिश एरा था, तो ब्रिटिश एरा के सारे डॉक्यूमेंटेशन रखे गए अंग्रेजों के। सबसे बड़ी बात, इब्ने बतूता जो ट्रेवलर था मोरक्को का, उसने जब इंडिया ट्रेवल किया था तो उसने जो किताब लिखी थी उस किताब में उसने मेंशन किया है कि अयोध्या में राम मंदिर था और ये राम जन्मभूमि है। इब्ने बतूता कब आया था? 11th-12th century, मतलब आज से करीब 800-900 साल पहले, ठीक है। उसके बाद फिर प्लेनेटरी जो जन्म कुंडली थी श्री राम की, वो नासा के प्लेनेटरी सॉफ्टवेयर में डाली गई, डेट्स निकल के आ गई। उसके बाद एक बुक थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, उस बुक के अंदर पूरी जियोग्राफिकल लोकेशंस, जो पूरे कोऑर्डिनेट्स और जो पूरी एक एग्जैक्ट लोकेशन थी वो होते रहे कि स्पेस से ये कैसे नजर आते हैं, बल्कि यहाँ तक आ गया कि वो वहां पर चांद पर जब कोई उतरा था तो उसने सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने जो आवाज सुनी थी उसने कहा था मैंने अजान की आवाज सुनी है वहां पर चांद पर, तो पता नहीं वहां पे अजान कौन दे रहा था। अच्छा, अजान से अब ये याद आया कि जैद हामिद साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब, बल्कि उन्होंने शेयर करवाई हुई है किसी की वीडियो या कुछ ऐसा, उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे ये कह रहे हैं कि जैद हामिद ने ये कहा है कि ईरान को गजा बनाकर दम लेंगे हम। अंदाजा करें, आप जरा सोचें कि ये जो स्टेटमेंट है इसका स्पेक्ट्रम कितना वास्ट है, कहां कहां तक फैला हुआ है। एक तो आप ये कह रहे हैं कि गजा को जो है ढेर बनाया गया है, तो हम ईरान को ये बनाएंगे, तो आप खुश हो रहे हैं कि गजा के साथ ये किया गया, आप इसलिए कह रहे हैं। और दूसरा ये कि क्या पिद्दी का शोरबा, पर तुसी की ईरान दे नाल करना है, तुसी ठहर जाओ दो मिनट, ना करें आप इस तरह की बातें ना करें। ज्यादा हमें साहब इसकी वजह ये है कि ना पैसे हैं लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए उस वक्त जंग लड़ी जाती है जब पैसा होता है,
जब लोग आपके साथ होते हैं, जब दुनिया आपके साथ होती है, ना दुनिया आपके साथ है, ना पैसा आपके पास है, ना आपकी जेब भरी हुई है, खाली जेब के साथ हैं, आपने किससे किससे लड़ना है, अपनी वो जो आप तलवारें लेके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपने लॉन में बैकयार्ड में, वो वाली आपने तलवार पकड़ के ईरान जाना लड़ने के लिए, जैद हामिद साहब आप ना करें प्लीज, माफ कर दें पाकिस्तान को, एंजे दी गल्ला ना करो, गुस्से में आकर वो ईरान ने पहले ही वो ईरान ने किया, ये खबरें चल रही हैं जनाब की उन्होंने सबसे बड़ी जो एक्सरसाइज है ना वो शुरू कर दी है अब पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, ईरान सबसे बड़ी फौजी मशकी अब ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ स्टार्ट कर दी है। ऐसे वक्त में इस तरह की मशकों का स्टार्ट होना इससे क्या पता चलता है कि ठहर जाओ तुझी अच्छी दस नया वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें चल रही है कि वो कह रहा है कि नहीं हम तो निचला नहीं बैठ रहा वो। तो इस सिचुएशन में ज़ियाद हामिद साहब जो है ये बता रहे हैं कि जनाब जो ईरान का ना वो सीधा हम तो ईंट से ईंट बजाने हैं, हैं जी, वो जैसे दिल्ली पे झंडा उन्होंने लहराना है वैसे ही ईंट से ईंट भी बजानी है, समझ रहे हैं आप क्या कह रही हूँ मैं एग्जैक्टली। तो ये जो है सारी अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ आखिर में जरा बात की लेते हैं जनाब, सीमा हैदर जो है कहा जा रहा है कि उनको इन्वाइट कर लिया गया और वो राम मंदिर पहुंच गई है, उसकी इन्विटेशन उनको रिसीव हुई, उन्होंने बड़े खुश दिल के साथ उसको कबूल किया उन्होंने सीमा हैदर ने, और राम मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए उनको इन्वाइट किया गया सीमा हैदर को, और वो वहां पर पहुंच गई और वहां पर वो भजन गाती हुई नजर आए। अच्छा जब ये खबर मैंने सुनी तो मैंने कहा कि जरा इसको किया जाए, अब वो भजन गाती हुई तो नजर आ रही है, उनका बेटा वो गा रहा था हनुमान चालीसा और बड़े कमाल ऐसा लग रहा था कि पैदाइश से पहले ही उसको ये भजन आते हैं, उसको ये आता है ये कि कैसे ये पढ़ा जाता है हनुमान चालीसा, तो वो इस तरीके से उसका बेटा पढ़ रहा था। तो सीमा हैदर जो है वो उन्होंने बल्कि मैं आपको सुनवा देती हूँ उन्होंने जो गाया so, हमें प्योरली इसको देखना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट में, हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्या है। सो इंडिया के अंदर अगर उनका वजीर आजम ये कर रहा है तो दैट इज देयर नेशनल इंटरेस्ट। अभी ये चीजें हमें अगर फॉर एग्जाम्पल समझें तो देखें हमारा जो इंटरेस्ट था जब 2019 में जो रेवोकेशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन जो हेल्ड कश्मीर है, ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसका स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस था उस वक्त, अब आपको पता है वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तान के फेमस तो नहीं बोलूँगा बट अच्छे यूट्यूबर हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं यूट्यूबर, और इन जैसे यूट्यूबर्स ने जिनने पीओके में जाकर रिपोर्टिंग की, पीओके के लोगों की सच्चाई बताई, पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की एजेंसीज इन पर एक्शन लेना शुरू कर चुकी हैं। आप माने ना माने ये लोग, ये कई यूट्यूबर तो ऐसी बात करते हैं डेफिनेटली उन पे पाकिस्तानी कमेंट करते हैं और इंडियन मुस्लिम कमेंट करते हैं कि ये पैसे के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं कि बाबर ने राम मंदिर तोड़ा, बाबर ने राम मंदिर तोड़कर वहाँ पर मस्जिद स्थापित की और हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की। ऑब्वियसली पानीपत जहाँ पे हुआ था वहाँ पे एक, अब मैं स्टोरी नहीं बताऊँगा यार, ये भारत के हर ऐतिहासिक मंदिर के बाजू में आपको मस्जिद मिलेगी, सटा सटा कर मिलेगी। यूपी तो केंद्र था मुगलों का, तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली उन्होंने सारे मंदिर डिस्ट्रॉय किए और वहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके का सीन है। काशी विश्वनाथ हो, प्रयागराज का नाम बदल कर आप अल्लाहाबाद करते हो, अल्लाहाबाद नाम कौन करता है जिसको हमारे इतिहास में बहुत महान बताया गया, अकबर महान वो करते हैं। तो सब चीज़ें दुनिया को सब पता है, ये कोई बार बार बताने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे कितना कष्ट हुआ होगा हिंदुओं को जो अपने तीर्थ नहीं जा सकते थे, तीर्थ जाएँ तो जजिया लगे, जजिया भी लगे किस टूटे फूटे मंदिर देखने के लिए, मंदिर को डिस्ट्रॉय करके, और उनकी आत्मा जलती रही होगी। तो आप समझ सकते हो कितना सहा होगा और क्या क्या सहा होगा, आप समझ सकते हो। क्योंकि हिंदू हमेशा से उनका ये विचार नहीं था कि हिंदू अगर किसी देश में आक्रमण करे, उनके लोगों को कन्वर्ट करे, वहाँ के मंदिरों को लूटे तोड़े। आप माने ना माने आप खजुराहो के टेंपल देखेंगे, खजुराहो के टेंपल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं वो टेंपल, इतने अद्भुत हैं वो एक स्टोरी टेल करते हैं। मतलब उसमें कई लोग जाएंगे तो उसमें केवल वो देखेंगे, मतलब ये नंगी मूर्ति है, इसमें ये है वो, उसमें एक स्टोरी चल रही है। आप देखें पहले के ज़माने में तो कोई स्टोरी बनती नहीं थी, हर लाइन में मूर्तियाँ बनी, स्टोरी चल रही है। उनकी एक एक मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया गया है, मतलब यार वो कई जो मूर्ति है वो मतलब
कैसे बनाई होगी वो टेम्पल, आप समझे ना, मतलब देखेंगे आप खजुराहो तो आप जाके समझ जाएंगे कि यार क्या चीज़ है, उसको तक डिस्ट्रॉय किया गया है और डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इतना खर्चा किया होगा, तो सीरियसली कितना हेट था उनके अंदर। तो पाकिस्तानी बच्चियों को बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कॉमेंट अपनी राय दें। भव्य मंदिर हमारा बन चुका है, अयोध्या का मंदिर अब तो वहाँ पे काम कम से कम 500 साल चलेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा एरिया है, 60-70 एकड़ का इलाका है वहाँ पे, तो बहुत चीज़ें बनेंगी। और अभी तो मंदिर का मेन प्रांगण तैयार हुआ है, अब देखना आप बहुत चीज़ें बनेंगी। कमेंट अपनी राय दें।